काम करना आसान काम नहीं है भाई, बड़ी मुश्किल है। अरे वो पता नहीं किसका उड़ के आया। सबसे नीचे है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की, ये सबसे पहली बुक थी मेरी पढ़ने के लिए। लेकिन आजकल के फिटनेस इंडस्ट्री में जो चीजें चल रही है भाई, बहुत अलग चीजें चल रही है, सब अपना ज्ञान पेल रहे हैं। कैसे कैसे शरिया 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 कट देनी है तेरा मुंह ते। करो देखो भाई, मैं हूँ KTM फैन और मैं कल हस्क्वर्ना देख के आया हूँ भाई। मतलब कि यार मैं दिल आ गया उस पर। अगर वो सेकंड हैंड मिल रही होगी तो फोन में मेन जो बाइक है वो कावासाकी मेरे को पसंद नहीं है। S1000R मेरे को पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत कॉमन हो गई है, हर किसी के पास वही बाइक है। दुबई में शिफ्ट हो गए, चाहे वो दुबई से दोबारा आया, अब दोबारा जाएंगे तो हमारे लिए कुछ सामान लेके आए हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है क्योंकि रात को तूफान आया था भाई। पहली बार मतलब मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा ही हवा चली है, और अभी घर की हालत बहुत ज़्यादा हो रखी है ख़राब, क्योंकि मिट्टी मिट्टी बहुत ज़्यादा आई है। रात को खुला था क्योंकि बंद बंद सा हो गया था ना, तो घुटन सी हो रही थी। AC लगा नहीं रखा क्योंकि नहीं पसंद, जैसे कि बताया था, तो कूलर लगाया था, अभी AC लगाएंगे दोबारा। तो अभी साफ सफाई सफाई करते हैं क्योंकि वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से भी उसको दिक्कत हो रही है। सफाई करते हैं घर की, डस्टिंग वस्टिंग करते हैं। मिट्टी कैसे हो रखी है यहाँ भाई? बहुत ज़्यादा मिट्टी आ रखी है, बहुत ज़्यादा। क्लीन करते हैं सारा, डस्टिंग वस्टिंग करते हैं इसकी, और वाइफ को भी थोड़ा वो मिल जाएगा ना, हेल्प आउट हो जाएगी उसकी। क्योंकि मतलब घर का काम करना आसान काम नहीं है भाई, बड़ी मुश्किल है। नहीं, हाउस वाइफ होना भी बहुत मुश्किल है। करते हैं काम फटाफट भाई। ये देखो हालत, ये गंदी हालत हो रखी है भाई। मिट्टी मिट्टी मिट्टी, वहाँ पर तो कुछ और भी पड़ा हुआ दिखाता हूँ। अरे वो पता नहीं किसका उड़ के आया। किसका उड़ के आया पता नहीं। साफ करते हैं इसको, थोड़ा घर का काम भी कर लेना चाहिए। घर का काम करते हैं फटाफट तरीके से। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो भाई कॉफ़ी वॉफ़ी ले आई है वाइफ मेरी, तो कॉफ़ी पियेंगे फिर उसका काम करेंगे सारा। झाड़ू तो मैं ले आया था भाई, कॉफ़ी वॉफ़ी तो पी ली है, तो अब जरा काम वाम भी कर ले क्योंकि वाइफ लगी पड़ी है बाहर, खुदी लगी हुई है। अभी मना करके हटी नहीं, और अब खुद लगी हुई है। ओए तेरे को मना कर रहा है ना, है ये छोटे मोटे, ये छोटे थोड़े महंगे झाड़ू लेके आया करो यार, सस्ते वस्ते झाड़ू मत यूज़ करा करो। लेके दे दो, इसमें सोना सोना लगा होना चाहिए इसके अंदर, तब फायदा। तो भाई ऑलमोस्ट सास काम हो चुका है। ये हमारे 3 बच्चे हैं, इसका नाम शॉ है, इसका नाम रॉ है, इसका नाम कुन्नी है। ये बच्चे मेरे बचपन के दोस्त हैं। मेरा बचपन से मेरे साथ है ये। दीदी लेके आई थी तो ये तब से ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये कुर्सी, अभी कुर्सी पता है कितने साल पुरानी है? जितने साल मैं का हूँ, जितने साल मैं हूँ उतने साल ये पुरानी कुर्सी है। ये तीनों दीदियों के बच्चे इस पे बैठे हैं, अब मेरे आने वाले बच्चे जो होंगे वो बैठेंगे इसके ऊपर। मतलब ऐसे ऐसे चलता रहता है, सिलसिला जारी है हमारा। तीनों छह के छह बच्चे बैठे हैं इसके ऊपर, सातवां बच्चा मेरा बैठेगा इसके ऊपर। मेरे कपड़े भी पड़े हैं भाई साहब, मम्मी निकाल निकाल के दिखाती कभी कि पुराने कपड़े, पुरानी सैंडल तक रखी हुई है भाई। पुरानी सैंडल जो होती है ना वाइट कलर की है, तो खैर अब तो रंग भी उतरने लग गया उसमें से, लेकिन बड़ी सही है यार, अभी तक रखा नहीं। चले जब होगा टाइम, कोई टाइम होगा तो फिर आपको दिखाएंगे। और वो हमारी किताबें हैं, हमारी तो नहीं सिर्फ मेरी किताबें हैं ये, ठीक है, जो कि मैं नहीं पढ़ता हूँ। जिसमें से सबसे नीचे है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की, ये सबसे पहली बुक थी मेरी पढ़ने के लिए। लेकिन आजकल के फिटनेस इंडस्ट्री में जो चीज़ें चल रही है भाई, बहुत अलग चीज़ें चल रही है, सब अपना ज्ञान फेल रहे हैं। और कोई कोई है जो ओल्ड स्कूल वाले हैं, उनका ज्ञान मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, वो एक सिंसियर बात करते हैं। अभी जो है, अभी के लौंडे जो आए हैं, ठीक है भाई, मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई, जो अभी के आए वो सिर्फ पढ़ के आए, ठीक है, उनको प्रैक्टिकली कोई इतनी नॉलेज है नहीं, इस एंगल पे उस एंगल पे वो चीज़ें करते हैं, लेकिन एंगल मैटर करता है। बट लेकिन अगर आप ह्यूमन बॉडी को देखो, एक एक छोटा सा एग्जांपल है, ह्यूमन बॉडी को देखो तो वो स्ट्रक्चर उसका वो सेम ही है, उसी एंगल पे उसकी बॉडी चलेगी। लेकिन आप विदाउट एंगल आप बात कर रहे हो बॉडी बिल्डर्स की, ठीक है, फिटनेस का दायरा जो है वो अलग है, बॉडी बिल्डर्स का दायरा जो है, एरिया जो है वो अलग है। मतलब सबका फंडा अलग है, सबकी एक्सरसाइज अलग है, तो आप किसी को गलत नहीं बोल सकते। नॉर्मल बंदे के लिए और एक एथलीट के लिए एक्सरसाइजेस अलग होती है, हर डिफरेंट जोन के लिए, जोनर्स के लिए, जैसे कि कोई बॉक्सर्स है, कोई टैकवांडो प्लेयर है, कोई मतलब अलग अलग फील्ड के अलग अलग एक्सरसाइजेस होती है। कोई बेसिक मूवमेंट्स होती है जो कि
हर किसी को करवाई जाती है, लेकिन उसके साथ वेरिएशंस है क्योंकि उसकी बॉडी किस हिसाब से वो ट्रेन करता है बॉडी को, ठीक है। अगर वो स्लो मूवमेंट आइसोमेटिक मूवमेंट करेगा उसके मसल उसी तरह से रिस्पॉन्स करेंगे आगे जाके, तो वो उसके लिए थोड़ा सा जो स्पीड स्पीड में एजिलिटी में है उनके लिए ये वर्कआउट थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। स्लो मूवमेंट जो आइसोमेटिक मूवमेंट होती है वो कभी कभार करवाई जाती है एथलीट्स को, के लिए जो वर्कआउट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो जो भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर अगर देख रहा है कोई, या कोई ट्रेनर्स देख रहे हैं या कोई कोच देख रहा है, तो अगर अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो मेरे को बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप। ठीक, बायो मैकेनिक देखे जहाँ से ज़्यादा 60% 70% सबकी मूवमेंट सेम होती है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में देख रहा है मूवमेंट्स मैटर नहीं करती है, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग में आपको उस एंगल पे रखना पड़ता है जिस एंगल पे आपका मसल चलता है, ठीक है। चाहे आप क्लोज रखो वाइड रखो उस एंगल पे आपका मसल चलेगा, ठीक है। फिटनेस बहुत डिफरेंट हो गई, फिटनेस ये थोड़ा ज्यादा ज्ञान हो जाएगा, इसके बारे में बाद में करेंगे। अगर थोड़ी थोड़ी चीजें मैं बताता रहूंगा बीच बीच में, तो आप देखते रहना एंड आपको थोड़ा सा हेल्प आउट होती रहेगी इस चीज के बारे में। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मैंने बहुत कुछ कह दिया था लेकिन अच्छा बीच में क्या हुआ, वीडियो 5 मिनट के लिए बनती है उसके बाद बंद हो जाती है, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों है। तो मैं बात कर रहा था झाड़ू की, तो झाड़ू जो है एक डेडलिफ्ट पोजीशन है, ठीक है। आप जब भी झाड़ू लगाते हो एक स्क्वाटिंग पोजीशन में आप झाड़ू लगा सकते हो, ठीक है, और आप एक डेडलिफ्ट पोजीशन में आप झाड़ू लगा सकते हो, ठीक है। खड़े होकर झाड़ू नहीं लगता है, ठीक है, आपको झुकना ही पड़ेगा क्योंकि झाड़ू का जो लेंथ है वो छोटी है, ठीक है, तो आपको नीचे झुकना पड़ेगा। या तो कुछ औरतों की मूवमेंट अच्छी होती है, या कुछ लड़कियों की मूवमेंट अच्छी होती है, कुछ लड़कों की मूवमेंट अच्छी होती है, वो नीचे पूरा बैठ के, जैसे कि आपके घर में मेड आती होगी तो उनकी मूवमेंट आप देखते होंगे, वो नीचे बैठ के झाड़ू लगाती है या नीचे बैठ के पोछा लगाती है, तो उनकी मूवमेंट अच्छी है, ठीक है। लेकिन उनकी बैक का कर्व देखोगे, उसके बैक, अब उनको ये तो नहीं बोलेंगे आप सीधे होके करो, नहीं ना, जिनका काम रोज का है भाई उनकी मूवमेंट बनी हुई है वो, अब उनको बैक सीधी करवा ही नहीं सकते, चाहे जो मर्जी कर लो, जितना बड़ा जो आ जाए उसको टाइम लगेगा उस चीज के अंदर उसको ठीक होने में। तो वही चीज है, कोई 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 बंदा गलत नहीं है, ये मूवमेंट जो है वो पहले से आपकी बॉडी के अंदर है, बस उसको निखारना है कैसे करना है वो हमारा काम होता है कि हम उसको कैसे कराएं। नॉर्मली मैंने जितने देखे हैं, जितने लोग आते हैं देखा जाए तो भाई उनको मूवमेंट नहीं आती है, ठीक है। बेसिक मूवमेंट होती है स्क्वाटिंग, वो नहीं आती है। बेसिक मूवमेंट होती है आपकी पुशअप्स की, वो नहीं आती है। डेडलिफ्ट होती है, वो नहीं है। बेसिक मूवमेंट्स है वो उन्होंने आज तक करी ही नहीं है, तो उनको कहां से पता चलेगा कि वो मूवमेंट ऐसी है। बेसिक चीज ये है, आपको आपकी बॉडी के अंदर है भाई, ये आपका बॉडी का मैकेनिज्म ही ऐसे बना हुआ है, आपकी बोन का स्ट्रक्चर ही ऐसे बना हुआ है। अब कैलिस्थेनिक ले लो भाई, अपनी हड्डियों मोड़ा लेते भाई, कहीं से आ जाता है, उनको गलत थोड़ी ना बोलोगे तुम, है ना। मैं तभी मेरे को गुस्सा आ रहा था क्योंकि काफी लोग मेरे, अब देख रहा हूँ वीडियोज में देखता हूँ कि लोग बहुत ज्यादा ये गलत है वो गलत है। आप एक बॉडी बिल्डिंग पे बना रहे हो, आप कैलिस्थेनिक पे बनाओ, आप वेट लिफ्टिंग पे बनाओ, आप पावर लिफ्टिंग पे बनाओ, बना के देखो, तुम्हारी जो साइंस है वो सारी धरी की धरी रह जाएगी वहीं पे, जितने तुम साइंस साइंस करते हो, ठीक है। आप ओवर द हेड, आप बिहाइंड नेक नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई, मूवमेंट तो है ना, दे तो रखी है तुम्हें मूवमेंट, तुम हाथ पीछे लेके जा सकते हो, वो मूवमेंट नहीं है आपकी, बिहाइंड द नेक ही जा रही है, बिहाइंड द नेक ही है ना, ये देखोगे तो बिहाइंड द नेक ही है। अब आपकी बॉडी जो है आपको अलाउ नहीं करती है तो फिर क्या, ये इंजरीज के चांसेस है इतने 90% हो रहा है भाई, अगर 90% इतने रिसर्च करके करिए तो ओलंपिक जो वेट लिफ्टिंग होती है वो बंद हो जाती, ठीक है ना, वो बंद हो जाती जो ओलंपिक है, वो आपका जो गेम रखी हुई है, ओलंपिक गेम जो रखी हुई है वो सारी सेफ्टी पर्पज से रखी हुई है, कि कितनी सेफ्टी, उनके रूल्स चेंज होते रहते हैं ये सब, तो इसलिए रखी हुई है, कोई दर नहीं है, जा रहा है छोड़ दो उसको, बात खत्म। कहानियां जो बनाते हैं ना लोग, इतनी खुन्दा लगाती है ना मेरे को भाई, कभी कभार रिसर्च होती है इसलिए कि कोई चीज अगर गलत हो रही है तो उसको रिसर्च करो, तभी चीजें पता चलती है, आगे निकलती है। दो तीन जनों की रिसर्च सेम होगी तो वो चीज सही है, ये चीज होती है, बाकी करेंगे बाद में बात है। बहुत ज्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा और मैं नहीं चाहता इतना लंबा ब्लॉग हो। मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। ये देखो, ये देखो इस औरत को देखो, ये औरत को चैन नहीं है। अभी मैं झाड़ू लगा के हटाऊं, सारा साफ करके हटाऊं, खुद ही भाई मैंने अपनी तरफ से पूरी 100% दिया है मैंने, मतलब क्या है, क्या सीन है, गलत बात है ना ये तो। फिर मतलब मैं इतना काम करके हटा हूँ फिर भी इसको ये लग रहा है कि मैंने काम नहीं कर रहा है, मतलब साफ, सॉरी मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं वो अपनी तरफ से कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि काम मैंने किया है लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं आया है, ये चीज कहना चाह रहा हूँ मैं। सॉरी 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 यहाँ सॉरी एक बार बोल दो, वो कैसे कैसे शरिया कट देनी है तेरा मुंह ते। मेरा हेलमेट ऐसे की ऐसे पड़ा रहता है, ये हेलमेट मैं कुछ बनाना चाह रहा हूँ वॉल के ऊपर, लेकिन अभी मेरे को कुछ मिल नहीं रहा और कि कैसे कैसे डिजाइन करूँ। देखो भाई मैं हूँ KTM फैन और मैं कल हस्क वरना देख के आया हूँ भाई,
मतलब कि यार मैं दिल आ गया उस पे। अगर वो सेकंड हैंड मिल रही होगी तो भी नहीं लूंगा, अगर फर्स्ट हैंड है तो भी नहीं लूंगा, क्योंकि तो भाई अभी थोड़े दिक्कत है, अभी तो मैं कुछ नहीं ले पाऊंगा। लेकिन वो हस्क्यूबंदा मेरे को बहुत प्यारी लगी यार, उसके जो व्हील लग रहे थे ना, स्पोक व्हील्स, और जिस तरह से वो डिज़ाइन थी, थोड़ी बल्किनेस में थी, और KTM 390 जैसा ही था सब कुछ, लेकिन उसका जो क्लस्टर था वो बिल्कुल चेंज था। तो मेरे को काफ़ी मतलब अट्रैक्ट सी लगी, क्योंकि जैसे मेरे को KTM लगी थी वैसे मेरे को वो अट्रैक्ट। और मुझे भाई, मेरे को ना इनलाइन लेनी है, इनलाइन फोर, लेकिन ये मेरे को ना वो इनलाइन पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। इनलाइन फोर में मेन जो बाइक है वो कावासाकी मेरे को पसंद नहीं है, S1000R मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत कॉमन हो गई है, हर किसी के पास वही बाइक है, तो वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं। मेरे को जो अभी पसंद आई है इनलाइन थ्री में आई है ट्राइडेंट 660, देन RS660 अप्रीलिया, उसी सिस्टी में 660 बोला नहीं जा रहा, 660 लगा लो यार, 650 cc लगा लो। अप्रिया की 650, ट्राइडेंट की 650, मतलब ट्रायम की 650। देन उसके बाद बात आती है आपकी ट्यूनो, अप्रिलिया ट्यूनो, जो मैं नाम ले रहा हूँ वो सर्च करके देखना, बहुत बढ़िया बाइक है सारी वो। और एक बाइक और आई है अभी 675 डुकाटी की, क्या बात, सुपर मोटार्ड ये शायद से वो, उसी मतलब वैसी ही है, फन बाइक ही है वो, और ठीक है। देन उसके बाद एक अभी KTM और निकाला 390 में, अभी सुपर मोटार्ड जैसी है, वो भी फन बाइक ही है, बहुत अच्छी है वो भी। वो उसमें एक SFX भी निकाल रही शायद से 390 में, जो कि सुपर मोटो में यूज़ होती है, वो वैसी बाइक है वो। और कौन सी बाइक नहीं है, और कौन सी बाइक, और कौन सी बाइक, अभी हिमालयन भी निकाल, मतलब वो निकाल रहे हैं, रॉयल इनफील्ड भी निकाली है, 660 में निकाल दी है, 450 में निकाल दी, मुझे से लगता नहीं है 650 में वो निकाले, क्योंकि इंजन बहुत भारी है उनका, 200-250 किलो की बाइक हो जाती है उनकी, तो मुझे लगता नहीं वो इंजन इतना हैवी है, इंजन थोड़ा रिबिल्ड करेंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा कॉम्पैक्ट इंजन बनाएंगे, जैसे कि हिमालयन का बनाया वैसे में बनाएंगे तो और अच्छा होगा। और क्या है, और क्या है, और क्या है, अभी तक जितना मेरे को पता है इतनी बाइकें हैं। और भाई सबसे बेस्ट बाइक तो अभी मैं भूल गया, 650 cc में होंडा की CB650R। मुझे लगता है कि होंडा की कोई बाइक लेता नहीं है, क्योंकि एक तो उसका एक एक वो होता है चलन होता है वो नहीं है, ठीक है। होंडा की फायर ब्लेड आती है वो लोगों के पास है, और अंडर रेटेड बाइक बोलते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि वो हर किसी के पास नहीं है, वो ट्रैक ओरिएंटेड बाइक है, ठीक है। डुकाटी जो है वो ट्रैक ओरिएंटेड बाइक है, अप्रीलिया जो है वो ट्रैक ओरिएंटेड बाइक है, KTM है, अभी 990 निकल रही है RCR, तो मे भी शायद से KTM वाले, वो भी ट्रैक ओरिएंटेड बाइक है। और मेरे ख्याल से MotoGP में क्या हुआ है कि अभी जो नॉर्म्स आए हैं अभी, तो उसमें काफ़ी चीज़ें बदल दी है, मतलब वो 1000 cc का होता था, अब वो 900 cc पे आ गया है, तो मेरे को पता नहीं वो क्या चल रहा है, मैंने देखा था, मेरे को इतना कंफर्मेशन नहीं है, बस मैंने देखा था तो इसलिए मैंने बता दिया। बाकी 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 और तो कुछ नहीं है, और ऐसी फन बाइक मेरे को पसंद आती है। भाई इस लड़की को हलवा बनाने के लिए बोल रहा था, हलवा की जगह दो कलर का हलवा बनाया है इसने। भाई हलवा की ऐसी तैसी मारी, पहले हलवा बनाया तो काला काला सा बन गया, अब उसका दोबारा सूजी भूनी है और दोबारा से बना रही है। अब जाके मैंने भूनी है, ऐसे बनाते सफ़ेद है, तुम्हें बनानी नहीं आती है, तुम्हें नहीं आता हलवा बनाना, पता है तुम्हें, तुम इसको अभी करो, और मैं बता रहा हूँ पता नहीं क्या बना दिया इसने। तो भाई अब फुल एंड फाइनल होने वाला है, इसका रिजल्ट आने वाला है, देखते हैं ये एग्ज़ाम में पास होती है कि नहीं। मस्त बना रहे, कुछ खा के देखो। तो हमारे कुछ मेहमान आए हैं दुबई से, जो कि इंडिया में रहते थे, फिर दुबई दुबई में शिफ्ट हो गए, क्या वो दुबई से दोबारा आए, अब दोबारा जाएंगे, तो हमारे लिए कुछ सामान लेके आए हैं। तो ये हमारी भांजी है, और ये भांजा हमारी दीदी आ रखी है, जीजू भी आ रखे है साथ में। और तो क्या लाया हमारे लिए बताओ, दिखाओ, नाना के लिए क्या लाए हो, मेरे लिए क्या लाए हो, और सबके लिए क्या क्या लेके आए हो। ओहो अच्छा भाई साहब, हाथों में पकड़ाओ, सबूत चाहिए। चलो ये लो जी, हो गया, चलो नाना का गिफ्ट हो गया। अरे बाबा क्या बात है, ये क्या बात है, अरे तुम मामा को दे नाना को दे, एक ही बात है, अपने अपने घर का सामान है भाई, जाना तो पेट में ही है। ओ भाई साहब
दुबई का स्टिकर भी आया है हमारे लिए, क्योंकि हम तो जा नहीं सके, पासपोर्ट बना के रखा हुआ है, बस जा नहीं पाए। और भाई ले भी लो। अच्छा अच्छा जी, लो मामी। मामी अब यही लगाई लिस्ट में रखी है। तो ये दो महीने तक ही चलेगा? कलर वाली नहीं है। नहीं कोई नहीं, अब बच्चों को जो समझ आया। अच्छा, दोनों में से आप चूज कर लो आपके बाइक में। तो बेटा बाइक में लगेगा नहीं, बाइक में स्क्रैच आ जाएंगे, गाड़ी में लग जाएगा। हाँ। कोई भी दे दे। नहीं आप देख लो कौन सा चाहिए। ठीक है, गोल्ड मैन गोल्ड का है ना, ये गोल्ड है सिल्वर है? हाँ, एक सोने का और एक उसका है। अच्छा, एक भव्य के लिए, भव्य को जो चाहिए होगा ले लेगा बाद में। और सामान आया है, और सामान भाई वो भव्य का है, भव्य और है। हाँ, तो वो भी यहीं देके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से फिर मैं खुद ही चल जाऊंगा देने। अच्छा, तो कोई बात नहीं, भव्य और का भी सामान है। भव्य अभी से खा के मोटा होगा। और भाई साहब काजू कितने बड़े बड़े, सही है, ये हुई ना बात। ओके, फिश का स्टिकर है, वो लोग भी दुबई घूम के आ गए। आगे नेक्स्ट, ओके की चेन वो देख लेगा कौन सी चाहिए, मेरे पास गोल्ड की है, उसके पास सिल्वर की है। चलो कोई बात नहीं, जितना भी आया अच्छा आया है, हम गए नहीं लेकिन हम लोग घूम के आ गए हैं। चलो हम थोड़ी पार्टी वार्टी कर लेते हैं, मिलने जुल लेते हैं। टाइम देख लो भाई, 8:30 हो रहे, 8:30 तो 8:30 हो रहे हैं। तो भाई हम करते हैं ब्लॉग का एंड। भाई पूरा दिन घर पे रहे, कुछ काम करने के लिए था नहीं, तो आज सॉरी तो कुछ काम करने था नहीं, तो अभी बस जस्ट इसके अंदर पानी भरना है, पानी खत्म हो गया और ऐसा कुछ तो नहीं है। तो दिन यही करी, थोड़ा अंदर की भावनाएं निकाली आज के ब्लॉग में, ठीक है। बाकी बाइकों के बारे में बात करी, कौन सी बाइक मेरे को पसंद है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है, वही सारी मेरे को स्पेशली मेरे को वही बाइकें पसंद है, जो फन बाइकें होती है। ज़्यादा इनलाइन वाली मेरे को अच्छी नहीं लगती, इटालियन ब्यूटीज आई लाइक इटालियन ब्यूटीज, तो मुझे वही पसंद है। एंड एप्रिलिया हो गई, डुकाटी हो गई, KTM हो गई, हस्क्वर्ना हो गया, मेरे को मोस्टली वही पसंद है। जो वो चीज़ें जो एक होता है ना, आप केयर टेक नहीं कर पाते उस चीज़ को, वो ज़्यादा चीज़ें पसंद है। ज़्यादा पैसा फूकना पड़ता है उसके ऊपर, तो वो ज़्यादा पसंद है मेरे को। सबसे बेस्ट बाइक वो तो मैं भूल गया, वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल बाइक, नाम है ब्रूटल है, तो बात कर रहा हूँ मैं ब्रूटेले की, ब्रूटेले 1000, बहुत अच्छी बाइक है MV अगस्ता की। तो ब्रूटेले हो गई, रश हो गई, ठीक है, मेरे क्लाइंट के पास थी, जिनको मैं ट्रेनिंग करा था उनके पास थी, फर्स्ट बाइक मैंने वहाँ पे देखी थी MV अगस्ता की, टोटली अमेजिंग बाइक। मतलब उसके जो एग्जॉस्ट था, मतलब वो डिज़ाइन इस तरह से करी हुई कि आप पहली बार देखोगे तो भैया उसको देखते रह जाओगे। मतलब इटालियन ब्यूटी में से एक ब्यूटी वो है, और सारी बाइकों दुनिया की जितनी बाइक है उसमें से ज़्यादा अच्छी जो लगेगी वो आपको वही लगेगी। और जब भी आप उसको सामने देख खड़ा देखोगे 10 बाइकों में से आपकी नज़र उसी पे जाएगी, आप पलट के जरूर देखोगे उस बाइक को। जैसे एक डुकाटी की है, डुकाटी की बाइक्स है, वैसी वो MV अगस्ता वो बाइक है। बाकी इतनी अच्छी नहीं है डिज़ाइन में, लेकिन जो डुकाटीज की और जो MV अगस्ता है, भाई साहब नेक्स्ट लेवल, भाई नेक्स्ट लेवल, जो डिज़ाइन जो बनाते हैं ना वो नेक्स्ट लेवल बनाते हैं। तो ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आज दिन मैंने घर पे बिताया है, और आप लोग भी बिताया करो, अच्छा लगता है। बार बार बाहर जाना अच्छा नहीं है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।